Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, alternating current के concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. That joining circuit is connected to a 250 volt alternating source. बना हुआ है. Find out the potential difference across the resistor and capacitor. मतलब यहाँ पे potential difference कितना है और यहाँ पे potential difference कितना है. तो सारी values हमारे सामने. सबसे पहली बात तो अगर हमें ये दोनों चीजें VR और VC निकालना है, यानी potential difference across resistor and across capacitor निकालना है, तो हमें current पता होना चाहिए. तभी तो VR is equal to IR लगाएंगे, VC is equal to IXC लगाएंगे. तो I निकालने के लिए Z निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये सब मैंने लिख रखा है. तो अब Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. R कितना है 40, XC कितना है 30. तो बस Z 40, 30, 50, कोई दिक्कत नहीं है तो कर ही लेते हैं आप लोग, है ना. तो Z 50 ओम आ गया है. ये 250 दिया हुआ है तो V इज इक्वल टू IZ, V 250, I 5 आने वाला है, 5 अभी लिखना नहीं है ठीक है, और Z 50. तो I कितना आ गया, 5 आ गया ना, 5 क्या एम्पियर आ गया. चलो सही है, आई 5 एम्पियर आ गया. अब उसके बाद अब ये दोनों काम किए जा सकते हैं. कि आप वीआर निकाल ले हो तो आई आर लिख दो. तो वीआर आई 5 है और आर कितना है 40 है, यानी कि वीआर हो गया 200 वोल्ट. बस बात खत्म, वीआर आ गया 200 वोल्ट. सही है. फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, VC वो भी हो जाएगा IXC, 5 इंटू XC कितना है 30, ये आ गया 150 वोल्ट. काम खत्म, निपट गया क्वेश्चन.